नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सीएम नीतीश कुमार के विधायक बिहार को कलंकित कर रहे हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें आरोग्यशाला में डाल देना चाहिए। ये बातें अब तेजस्वी यादव और साथ ही साथ पप्पू यादव की तरफ से कही जा रही है। आपको बताएं कि जिस तरह की तस्वीरें गोपाल मंडल की सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। जिस तरह से तेजस एक्सप्रेस में गोपाल मंडल की अर्ध नग्न में वो तस्वीर सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनकी किड़किड़ी होने लगी। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल अपनी सफाई में ये कहते हैं कि उनका पेट खराब हो गया था, इसीलिए उन्हें अपने ये कपड़े उतारने पड़े। ऐसे में आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि सीएम नीतीश कुमार के विधायक किस हद तक पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की तो किड़किड़ी हो ही रही है। साथ ही साथ बिहार पर भी इसका असर पड़ेगा। बिहार के विधायक इसको लेकर अब कई तरह की बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से हमले भी शुरू हो गए हैं। इसको लेकर पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, पहले देखिए। माननीय सीएम नीतीश जी, आपके इस 8 पीएम मटेरियल विधायक का इलाज कराइए, किसी मानसिक आरोग्यशाला में डाल दीजिए। इनको अपनी बेहूदगी से बिहार को कलंकित करने का हक किसने दिया, क्या आपने? वहीं अगर हम आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार के विधायक बिहार को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे में अब उनके विधायक को आरोग्यशाला में डाल देना चाहिए। तो आपको बताएं कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार गोपाल मंडल विवादों में घिर चुके हैं। इससे पहले 2 मई को भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी जब गोपाल मंडल को लेकर विवाद शुरू हुआ था, और अब एक बार फिर से गोपाल मंडल सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको लेकर अब सीएम नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी उनके विधायक को पागल कहा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप अपने विधायक को जल्द से जल्द आरोग्यशाला में डाल दीजिए, नहीं तो बिहार की और भी ज्यादा बेइज्जती होगी, बिहार हमारा कलंकित होगा। और इन जैसे विधायकों को ये कोई हक नहीं है कि वो बिहार पर लांछन लगाए। ऐसे में आप अपने विधायक पर कंट्रोल रखिए, उन पर काबू कीजिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो करते हैं उससे बिहार शर्मसार हो रहा है। तो इस वक्त गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने डिप्टी सीएम को लेकर भी विवादित बयान दिया था और इसके बाद वो अपने बयान से भी पलट जाते हैं। वहीं जब इस पूरे मसले पर लेकर उनसे सफाई पूछी जाती है तो उनका कहना है कि उनका पेट खराब हो गया था, इसलिए उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़े। तो इस तरह के कदम कहीं ना कहीं अब बिहार को कलंकित कर रहा है और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से अब हमले शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।